भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की टीम चेन्नई स्मैशर्स ने प्रीमियम बैडमिंटन लीग के दूसरे संस्करण का खिताब अपने नाम किया है। सीरी फोर्ट इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोचक फाइनल मुकाबले में चेन्नई ने मुंबई रॉकेट्स को 4-3 से मात दी और ट्रॉफी के साथ 6 करोड़ रुपए की इनामी राशि पर कब्जा जमाया। उप विजेता मुंबई को ट्रॉफी और 3 करोड़ रुपए इनाम में मिलेंगे। चेन्नई और मुंबई के बीच महामुकाबला बेहद रोचक रहा। मुंबई की टीम एक समय 0-3 से पीछे चल रही थी। चेन्नई ने अपने शुरुआती 2 मुकाबले जीतते हुए उस पर बढ़त ले ली थी, लेकिन मुंबई ने वापसी की और स्कोर 3-3 कर दिया। आखिरी मुकाबले पर विजेता का फैसला निर्भर था, जहां चेन्नई ने मुंबई को मात देते हुए जीत हासिल की। पहला मैच मिश्रित युगल का था, यह चेन्नई का ट्रम्प मैच भी था। इस मैच में चेन्नई की क्रिस और गैब्रियल एडकॉक की जोड़ी ने मुंबई की निपत फोन फ्यांग फ्यूफेट और नाजी जेद जीएब की जोड़ी को 11-9 11-6 से मात देते हुए अपनी टीम का खाता 2 अंकों से खोला। पीबीएल में ट्रम्प मैच जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलते हैं, जबकि हारने वाली टीम के हिस्से से 1 अंक की कटौती की जाती है। ओलंपिक 2016 में भारत को रजत पदक दिलाने वाली सिंधु और इस लीग में मुंबई के लिए खेल रही दक्षिण कोरिया की सुंग जी ह्यून के मुकाबले पर सबकी नजरें थीं। सिंधु ने मुकाबला 11-8 11-8 से अपने नाम करते हुए अपनी टीम को 3-0 से आगे कर दिया था। देखते रहिए डीबी लाइव।